छात्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मापन के बारे में पढ़ेंगे। मापन क्या है, तो मापन किसे कहा जाता है, मापन कहाँ उपयोगी है, मापन क्यों उपयोगी है। आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इतने ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको कि हम बिना मापन के उसको नहीं कर सकते। जैसे सुबह आपको समय पर उठना है, स्कूल जाना है, सामान खरीदना है, दूध लेना है, कोई भी चीज़ लेने के लिए आपको मापन की आवश्यकता होती है। आप अपने घर से स्कूल कितनी दूर जाते हैं, कितने समय में पहुंचते हैं, इन सब के लिए आपको मात्रक की आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे समझेंगे। अगर डॉक्टर किसी मरीज को देखता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका ताप क्या है, उसको बुखार कितना है, तो उसके लिए भी उसे थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो मापन के बारे में सबसे पहले हम मापन के बारे में हमें पढ़ने के लिए आवश्यक है कि जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से हम संख्या में व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस राशि को किसी भी संख्या में या उस भौतिक राशि को नापने के लिए, चाहे वो लंबाई हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, या द्रव्यमान हो, या समय हो, कोई भी चीज़ हो, उसको मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हीं दो चीज़ों से मिल करके जो बनती है उसी को कहा जाता है मापन। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, और दूसरी चीज़ संख्यात्मक, या उसको हम आंकिक मान कहते हैं, या उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले हमें जानेंगे कि मात्रक क्या है और संख्यात्मक या आंकिक मान क्या है। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आंकिक या मात्रक क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला है कि मात्रक या यूनिट। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को आधार मान करके, जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, मान करके उस भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है, तो उसी कहते हैं मात्रक। दूसरा है संख्यात्मक मान या आंकिक मान, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई एक रस्सी दे दी गई है और आपको बताना कि यह कितनी लंबी है। तो इसके लिए आपको अगर कोई मात्रक, कोई यूनिट नहीं मालूम होगी तो आप इसको कैसे नापेंगे, तो आप कोई एक मात्रक मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक फीट ले लिया जिसमें 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब उससे आप रस्सी को नाप लेंगे। रस्सी को नापने के बाद अब कितनी बार फीट से आप नाप रहे हैं, अगर 30 बार नाप रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 बार नापा, तो यह संख्यात्मक मान देखिए 30 हो गया, और यह सेंटीमीटर जो आप फीट लिए हैं, इसको फीट लिख दिए या फुट लिख दिए, तो यही हो गया इसका ये मात्रक हो गया और संख्यात्मक मान हो गया 30। मेजरमेंट सिस्टम, मापन की यथार्थता के लिए यह आवश्यक है कि मापन का मात्रक ऐसा हो जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर समान आए। मापन का ऐसा मान होना चाहिए कि जिससे कि जैसे आप अगर यहाँ पर मान रहे हैं, तो दूसरी जगह भी जब उसको मापा जाए तो उतना ही उसका मान आना चाहिए, इससे कोई इसमें कोई अंतर ना आवे। तो इसलिए एक मानक पद्धति का विकास हुआ, जिसको फ्रांस ने सन 1790 ईस्वी में इसका विकास किया। तो इसलिए सन
1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक ऐसी मानक प्रणाली की रचना की जिसे मानक पद्धति कहते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन की प्रणाली का विकास किया गया, जिन्हें MKS पद्धत यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली तथा MKSA मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर से अब इसको SI मात्रक जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, ये आधुनिकतम प्रणाली है जो सर्वमान्य है, इसलिए इसको SI पद्धत या इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। यह प्रणाली जो है, यह पद्धति जो है, यह सर्वमान्य है, यह पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। तो इन सब के आधार पर सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मूल मात्रक और उनके संकेत। इसके लिए हमने एक सारणी में इस तरह से बना लिया है। देखिए, एक में क्रमांक, एक में भौतिक राशि और एक में SI मात्रक और दूसरे में संकेत। तो इस तरह से हम इसको सबका अलग अलग पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, अगर हम पहले को लंबाई देख रहे हैं, लंबाई है तो लंबाई को मीटर से, इसका SI मात्रक मीटर है और इसका संकेत मीटर है, इसको हम इस तरह से स्मॉल m के रूप में लिखते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किलोग्राम और इसको हम इस तरह से kg लिखते हैं, स्मॉल k लिखेंगे और स्मॉल g लिखेंगे, इस तरह से इसको हम लिखते हैं kg। आप जानते हैं कि लंबाई से हम क्या नापते हैं, आप जानते हैं किसी भी दूरी को, किसी भी रस्सी की लंबाई हो या कोई चीज़ हो, उसको नापने के लिए हमें इन मात्रकों की ज़रूरत होती है। और इन मात्रकों मीटर, जैसे मीटर है, मीटर को किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आदि के रूप में इसके अन्य मात्रक हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड मानक है, इनका जो स्टैंडर्ड मात्रक है उसको मीटर कहा गया। इसी तरह से द्रव्यमान, किसी भी वस्तु को तौलने के लिए हमें जो मात्रक प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं, उसका मात्रक जो है, उसका भौतिक राशि जो है, उसको कहेंगे ये द्रव्यमान है। और इसको नापने के लिए किलोग्राम जो है, ये इसका SI मात्रक है। और इसको लिखने के लिए हम स्मॉल k और g लिखते हैं, कैपिटल k नहीं लिखेंगे। तो इसके मात्रक को, इसके संकेत को हम kg इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना होगा, आपने कोई भी कोई वस्तु तौला और वो 10 किलोग्राम है, तो आप इसको इस तरह से 10 kg लिख देंगे, तो हो गया 10 kg। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर है समय। समय किसका मात्रक है? समय जैसे आपको कि कितने बजे उठना है, कब उठना है, कब जाना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब बाज़ार जाना है, कब कोई सामान लाना है, तो इन सब के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है। तो समय भौतिक राशि जो होती है, इसका SI मात्रक होता है सेकंड, तो SI मात्रक होता है इसका सेकंड, और इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी हम S से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल S से प्रदर्शित करेंगे। तापमान, ताप जिसको कहते हैं आप, ताप, टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है, और केल्विन के लिए हम कैपिटल के का प्रयोग करते हैं, इस तरह से हम इसको के लिखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नापा गया, मान लीजिए कि वह 27 केल्विन है, तो आप इस तरह से इसको 27 केल्विन लिख देंगे। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए हमेशा मोल का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा जैसे पदार्थ के कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, इनको नापने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं। मोल को प्रदर्शित करने के लिए MOL लिखा जाता है, इस तरह से ये मोल हो जाएगा।
छठे नंबर पर है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को नापने के लिए कैंडेलिया का प्रयोग करते हैं और कैंडेलिया को हम सीडी लिखते हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए विद्युत धारा भौतिक राशि है, तो इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, इसको एम्पियर कहते हैं और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। मात्रकों के प्रतिरूप को नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। यह संस्था इनके रखरखाव का उत्तरदायी है। दैनिक जीवन में प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस भी है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जीरो लिख करके डिग्री लगा करके हम सेल्सियस लिख देते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यह ताप का पैमाना है, इससे हम ताप को मापते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।